हेलो फ्रेंड्स, नाउ टुडे वी गेट द न्यू टॉपिक और बऱ्याच दिवसापासून या टॉपिक बद्दल क्वेश्चन चालू होते. मी तसंही बऱ्याच लोकांना कॉल करून सांगितलं आणि आता ॲक्च्युअली तो टॉपिक, कारण अँटीबायोटिक दॅट इज वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक ॲज फार ॲज डिसीज इज कन्सर्न. ओके, कारण काय होतं जब हमको डिसीज होती है अलग अलग टाइप के तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको कुछ दवाइयाँ देता है, उसी दवाई में से एक होता है एंटीबायोटिक. ओके, तो एंटीबायोटिक इज एक्चुअली अ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट एज वेल एज क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, हम दोनों बोल सकते हैं. प्रिवेंशन ऑफ डिसीज के लिए भी यूज होता है या फिर क्यूरेटिव के लिए भी यूज होता है, दोनों इसका यूज दिया है. लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में हम क्यूरेटिव मेजर के तौर पर इसको देखते हैं. नाउ क्यूरेटिव मेजर म्हणजे काय, तर एखादा डिसीज झाल्यावर त्याला ट्रीट करण्यासाठी, जब भी आपको डिसीज होगा तो उसको अच्छा करने के लिए, क्यूर करने के लिए जो हम दवाइयाँ लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स, वो बहुत सारी दवाई होती है. लाइक एंटी एलर्जिक होती है, उसके बाद एंटीबायोटिक होती है, देन कुछ हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए होती है, तो उसमें से एक होती है एंटीबायोटिक. तो क्या है, वैसे मैंने इसके पहले आपको डिफाइन बताया था जब हमने आई थिंक एक पिछले चैप्टर में लिया था. तो जनरल डिफाइन क्या है, तो एंटीबायोटिक इज एनी टाइप ऑफ केमिकल विच इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड, जो हम बाहर से लेते हैं, एंड दैट केमिकल इज यूज टू ट्रीट, दैट इज टू प्रिवेंट और टू कंट्रोल द डिसीज. तो ऐसा बोला जाता है कि बाहर से लेने वाली ऐसी भी कोई भी चीज जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, ये दवाई वो पर्टिकुलर डिसीज के जर्म्स को या पैथोजन को नहीं मारेगी, लेकिन उसको कैसे मारना है ये हमारे बॉडी में उसके अगेंस्ट में जो इम्यूनिटी इंप्रूव करने का काम करती है, दैट इज एंटीबायोटिक. तो एंटीबायोटिक खुद नहीं मारती उसको, वो डिसीज को या पैथोजन को, तो ये एंटीबायोटिक हमारे बॉडी को, बॉडी की इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है और फिर हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज फॉर्म होंगे. मतलब जब आप एंटीबायोटिक लेंगे तो उसके बाद हमारी बॉडी वो पर्टिकुलर डिसीज के लिए एंटीबॉडीज बनाएगी, एंड एंटीबॉडीज किल दैट पर्टिकुलर पैथोजन एंड क्यूर दैट डिसीज और प्रिवेंट दैट डिसीज, जो चीज़ के लिए आपको यूज करना है वो. मतलब एंटीबायोटिक हमको बाहर से लेना पड़ता है, जब तक हम एंटीबायोटिक लेते नहीं तब तक पर्टिकुलर डिसीज के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनेगी. क्लियर? कुछ नेचुरल एंटीबॉडीज भी हमारे बॉडी में बनती है, लेकिन वो नेचुरली बनती है. अब जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, ये अगर मुझे हुआ, सपोज मलेरिया हुआ, तो मुझे पहले तो जनरल टाइप ऑफ वैक्सीन दी जाएगी या फिर सॉरी ट्रीटमेंट दी जाएगी, लेकिन अगर क्योर नहीं हो रहा हूँ मैं, तो फिर मेरी ब्लड टेस्ट होगी एंड देन इट इज एक्चुअली आइडेंटिफाइड दैट कि भाई इसको मलेरिया है. फिर मलेरिया होने के बाद डॉक्टर जो मलेरिया का पर्टिकुलर वैक्सीन देगा या फिर जो दवाइयाँ देगा उसमें एक होगी एंटीबायोटिक. तो वो एंटीबायोटिक क्या करेगी, तो मेरे बॉडी में वो मलेरिया के जो जर्म्स होते हैं उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज बनाएगी, एंड दैट एंटीबॉडीज यूज टू किल दैट पर्टिकुलर मलेरियल पैरासाइट. तो ये ऐसा जनरल काम चलता है एंटीबायोटिक के बारे में. ठीक है, तो एंटीबॉडीज अलग है, एंटीबायोटिक अलग है. एंटीबायोटिक हम लेते हैं और वो लेने के बाद हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है. तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क पहले मैं क्लियर कर देता हूँ. नाउ आज हमको पढ़ना है एंटीबायोटिक. तो क्या है इन बायोलॉजिकल फॉर्म या फिर मेडिसिन जो एक ब्रांच होती है, डॉक्टर की जो ब्रांच होती है, उनमें एंटीबायोटिक किसको बोला जाता है. सो इट इज एनी टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगी. तो पहली चीज, ये सभी बैक्टीरिया सभी फंगस प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन कुछ बैक्टीरिया फंगस है, जब उनकी ग्रोथ होगी, वो जब बड़े होंगे वो बैक्टीरिया एंड फंगस, तो अपने आप उनके बॉडी में कुछ स्पेशल केमिकल बन जाते हैं. अब ये केमिकल किस लिए यूज होते हैं, नाउ सी दैट कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगी यूज फॉर प्रिवेंशन और डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब. अगर हमारे बॉडी में कुछ हार्मफुल माइक्रोब है, तो वो माइक्रोब की एक तो ये केमिकल ग्रोथ प्रिवेंट करेगा या उसको क्लियर कट पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा. डिस्ट्रॉय मतलब किल, मतलब सीधा हम इन जनरल लैंग्वेज बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगस विच इज यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ एनी पैथोजन और विच इज यूज टू प्रिवेंट द यूज टू किल द किल दैट पर्टिकुलर माइक्रोब. लेकिन ये माइक्रोब कैसा है, ये हार्मफुल है, ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, जिसकी वजह से हमको वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीज होते हैं. और उसको मारने के लिए बैक्टीरिया या फंगस से जो हम केमिकल निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक. क्लियर? तो जनरली ये 20th सेंचुरी की डिस्कवरी है, लेटेस्ट है, बहुत पुराना नहीं है. लेकिन जब ये डिस्कवरी हुई एंटीबॉडीज की, सॉरी एंटीबायोटिक की, तो पहला एंटीबायोटिक जो बना था, इट इज पेनिसिलिन. यू नो अबाउट डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, टेक्स्ट बुक में दिया है, आप पढ़ सकते हो. तो डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 20th सेंचुरी में सबसे पहली ये बनाई थी एंटीबायोटिक,
जो निकाला था उसने पेनिसिलियम नाम के फंगस से, पेनिसिलियम नाम का एक फंगस होता है, उसके बॉडी से उसने वो निकाला और इसलिए इसको नाम दिया गया पेनिसिलिन, नॉट पेनसिल, पेनिसिलिन इज अ टाइप और नेम ऑफ दैट फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। तो जब ये 20th century में इसकी डिस्कवरी हुई तो ये पूरे मेडिसिन फील्ड में रिवॉल्यूशन के काम किया, या लैंडमार्क हम बोल सकते हैं। रिवॉल्यूशन मैंने क्या बोलता हूँ, क्रांति, क्योंकि ये आने के बाद बहुत सारे अलग अलग जो डेंजरस डिसीज थे, जो महामारियाँ फैली थी, लाइक कोरोना, थोड़ा कोरोना वायरल डिसीज है, हम बैक्टीरियल के बारे में बात करेंगे या फिर आगे भी वो दिया है, तो बहुत सारे जो डिसीज थे उसको कंप्लीट इरेडिकेट किया गया, पूरा पूरी तरीके से उसको बंद किया गया, या उसको क्या कहेंगे हम, अच्छा किया गया। सो इट इज़ यूजफुल टू प्रिवेंट द मेनी टाइप ऑफ डिसीजेस। सो एंटीबायोटिक आर यूज टू क्यूर और प्रिवेंट वेराइटीज ऑफ डिसीज, बहुत सारे ऐसे डिसीजेज जिस पे ये एंटीबायोटिक काम करती है। एंड इट इज ऑल्सो यूज टू क्यूर, मतलब प्रिवेंट के लिए भी और क्यूर के लिए भी यूज किया जाता है फॉर वेरियस डिसीज। फॉर एग्जाम्पल दिया जैसे टीबी, यू नो ट्यूबरक्लोसिस, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा हर साल मौतें होती है वो टीबी की वजह से होती थी, आज नहीं है, क्योंकि टीबी पे हमने जो दवाई बनाई, दैट इज अ डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्स, तो ये दवाई एक्चुअली एंटीबायोटिक ही थी, और एंटीबायोटिक की वजह से इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट तब जो डिसीज था, दैट इज टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, वो कंप्लीट इरेडिकेट कर दिया गया। मतलब आज इंडिया में जैसे पोलियो नहीं है, वैसे भी वैसे ही टीबी, मतलब टीबी के पेशेंट तो मिलते हैं, लेकिन तब वो इतनी भयानक तरीके से फैल गया था, तो उसको आज कंप्लीट हमने इरेडिकेट कर दिया। आज जो टीबी हो रहा है वो बाय बर्थ नहीं है, वो ड्यू टू सम ड्रिंक और स्मोकिंग टाइप जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है उसके वजह से, लेकिन नॉमिनली इसको पूरा इरेडिकेट या इरेडिकेट कर दिया गया, पूरा ख़त्म कर दिया गया, या फिर उस पर आज कम से कम 3 या 6 महीने की शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट अवेलेबल है, एंड दैट इज कॉल्ड एज डॉट्स। सो डॉट्स इज द स्पेशल ट्रीटमेंट गिवन टू द टीबी पेशेंट, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्स। ओके, अब हम देखेंगे भाई एंटीबायोटिक मेनली मारता किसको, मतलब खास कौन से हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस पे अटैक करता है। सो फर्स्ट, एंटीबायोटिक एक्ट्स अगेन मेनली बैक्टीरिया, जो भी हार्मफुल टाइप के बैक्टीरिया जितने भी होंगे वो सभी पे एंटीबायोटिक बहुत अच्छे से काम करता है। ये एंटीबायोटिक ऐसा केमिकल है कि जो वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया को मारता है, चाहे वो कॉलरा का हो, टीबी का हो, टाइफाइड का हो। देन सेकंड, दैट एंटीबायोटिक इज आल्सो यूज्ड टू किल द मेनी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मतलब, प्रोटोज मतलब फर्स्ट एंड जोन मिस एनिमल, ये दुनिया में सबसे पहले जब लिविंग थिंग अपियर हुए तब आने वाले ये थे एनिमल्स थे, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, युगलेना, ईकोलाई मतलब इकोबैक्टीरियम कोलाई नाम का होता है, नाम है उसका, ये पैथोजन है सब। अब ये जो अमीबा मैंने कहा, अमीबा होता है जनरली जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है वो अगर गलती से पेट में चला जाए तो अमीबा हमारे बॉडी में जाएगा और वो हमको अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, या फिर हमारा एब्डोमिनल पेन, इंडाइजेशन जैसे बहुत सारे सिम्टम इस पर दिखते हैं। तो ऐसे जो प्रोटोजोआ ग्रुप में आने वाले एनिमल्स है, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, युगलेना, ईकोलाई, ये सबको मारने का काम भी करता है एंटीबायोटिक। जनरली मोस्ट ऑफ द केस रिड्यूस टू ट्रीट द बैक्टीरियल डिसीज एंड प्रोटोजोअल डिसीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गिवन एंड दैट इज, एक सेकेंड, नाउ नेक्स्ट हमको क्लासिफिकेशन दिया एंटीबायोटिक का, आप टाइप्स भी बोल सकते हैं। तो जनरली एंटीबायोटिक दो टाइप की होती है, एक दिया है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब इसका एरिया ज़्यादा है, ऐसा थोड़ा नाम से समझ रहा है, और दूसरा है नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक। एकदम इजी लैंग्वेज में बोलता हूँ क्या है, देखो बहुत बार क्या होता है, जब हमको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं डिसीज के, सिम्टम मतलब चेंज इन द बॉडी, नॉर्मल जो चेंज नहीं होता, या फिर हमको जो तकलीफ होती है जैसे बुखार आना, सर्दी खांसी होना, सिर दर्द होना, हाथ पैर दुखना, ये सब है, स्टमक एज, पेट दुखना, ये सब होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज के सिम्टम। तो बहुत बार ये सिम्टम तो दिखते हैं लेकिन वो सिम्टम किस डिसीज के है ये पता नहीं होता, मतलब वो जो डिसीज हमको हुआ है उसका पैथोजन कौन है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम, या फिर हमको पता नहीं लगता। लास्ट में मैंने पॉइंट लिखा हूँ, व्हेन सिम्टम्स आर विजिबल, सिम्टम्स तो दिख रहे हैं बट पैथोजन इज नॉट आइडेंटिफाइड। डॉक्टर के यूज से भी, मतलब डॉक्टर भी बहुत बार क्या, अब जैसे मैं गया डॉक्टर के पास, क्या पेट दुख रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नॉमिनली वो चेक करेंगे स्टेटोस्कोप से, थोड़ी नाड़ी वाड़ी देखेंगे वगैरह वगैरह सब देखा जाता है, लेकिन एक्चुअली मुझे क्या हुआ ये डॉक्टर को पता नहीं होता। सो सिम्टम्स आर देयर बट
एक्चुअली द पैथोजन इज अननोन, तो ऐसे टाइम में कोई भी डिसीज हो सकता है, बुखार है, खांसी है, हेडेक है, इट मे बी मलेरिया, इट मे बी टाइफाइड और सम वायरल इन्फेक्शन, पता नहीं है, डायग्नोसिस नहीं हुआ है। तो ऐसे टाइम में ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिम्टम पे या अलग अलग टाइप के डिसीज के लिए जब पैथोजन अननोन होता है, पैथोजन पता नहीं होता, तब डॉक्टर जो आपको एंटीबायोटिक देते हैं दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। लेकिन डिफाइन क्या है, द स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबायोटिक विच आर यूज फॉर वाइड वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया एक नहीं है और बहुत सारे बैक्टीरिया है, तो उससे हमको बहुत सारे डिसीज भी होते हैं। तो जब हमको एक तो पर्टिकुलर बैक्टीरिया कौन सा है, उससे हमको डिसीज कौन सा हुआ ये पता नहीं, ऐसे अलग अलग टाइप के वाइड वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया के लिए जो एंटीबायोटिक डॉक्टर देते हैं या प्रीफर करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब नाम ही दिया ब्रॉड, मतलब बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं, उसको मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, लेकिन पता नहीं, एक्चुअली अभी पता नहीं हुआ, तो एकदम से तो कोई डॉक्टर ब्लड टेस्ट तो बोलेंगे नहीं ना। तो ऐसे टाइम में फिर उनको दी जाती है, एक्चुअली इट इज एक्सपेरिमेंटल वन, कि भाई ले लो, जमा तो जमा, नहीं तो फिर ब्लड टेस्ट करो। तो ऐसे स्टार्टिंग में ही जब नॉर्मल सिम्टम होते हैं, डिसीज का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता ऐसे टाइम में, और वाइड वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया के लिए जो एंटीबायोटिक यूज होगी दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसके कुछ एग्जाम्पल है, आज होमवर्क मिलने वाला है आपको, बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क है। नाउ सी द एग्जाम्पल, एम्पीसिलीन, एम्पीसिलीन वन ऑफ द नेम ऑफ यस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सेकंड इज एमोक्सिसिलीन, सेकंड इज एमोक्सिसिलीन एंड थर्ड इज टेट्रासाइक्लिन। तो ये तीन है, इससे और भी बहुत सारे, लेकिन उनको तीन का एग्जाम्पल दिया। सो एम्पीसिलीन, एमोक्सिसिलीन एंड टेट्रासाइक्लिन, दे आर द थ्री टाइप्स ऑफ यस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कब यूज होगा, व्हेन सिम्टम्स आर विजिबल बट पैथोजन वॉज अनोन, पैथोजन हमको पता नहीं, आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, ऐसे टाइम में एज अ एक्सपेरिमेंटल बेस भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा बोलना नहीं है, डॉक्टर लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो उनको पता होता है कि भाई इससे ये ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर ब्लड टेस्ट की बारी है, लेकिन ऐसे टाइम में जनरली डॉक्टर लोग जो एंटीबायोटिक प्रीफर करेंगे दैट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और दूसरा है नैरो स्पेक्ट्रम, क्लियर कट पता है। अब जैसे आपने बोला कि भाई 102 डिग्री फारेनहाइट बुखार है, उसके बाद हेडेक हो रहा है, तो ऐसे कुछ गिने चुने सिम्टम होते हैं जो मलेरिया के होते ही है, या फिर ये पर्टिकुलर सिम्टम भाई टाइफाइड के हैं, तो डॉक्टर को पता है, लेकिन डायरेक्टली तो देंगे नहीं। मतलब हमेशा ही डॉक्टर लोग जो देंगे पहले वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं, और अगर अच्छा नहीं हुआ फिर बोलते हैं 3 दिन के बाद आओ, 3 दिन के बाद आपको अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो फिर आ जाना। और वैसे भी लगा तो हम, अच्छा लगा तो हम जाते ही नहीं, और वो पूरे जो 3-4 दिन के डोज होते हैं वो भी लेते नहीं, है ना। ये बहुत मज़ा आता है एक्चुअल पढ़ाने में, क्योंकि एंटीबायोटिक का कुछ डिसएडवांटेजेस पॉइंट भी दिया है, तो फिर हम नहीं जाते, या फिर हमको समझो बुखार या जो भी सिम्टम्स थे वो कंटिन्यू चालू है, तो फिर हम 3रे दिन जाते हैं, फिर डॉक्टर पूछते भाई कुछ कम हुआ, ये हुआ, वो हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, फिर बोलते ब्लड टेस्ट करो। अब ब्लड टेस्ट करने के बाद फिर वो ब्लड में आपको पर्टिकुलर जैसे मलेरियल पैरासाइट मिल गया, तो फिर बोलते इसको मलेरिया है, अब वो बाकी की सब दवाई बंद करो, अब मलेरिया का ट्रीटमेंट हम चालू करेंगे। सो व्हाट इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक विच इज यूज फॉर ओनली वन वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया। पता हो गया कि भाई मलेरियल पैरासाइट है, पता हो गया कि भाई टाइफाइड हुआ है इसको, सैल्मोनिला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है, उससे भाई आपको टाइफाइड हो गया। सो मैं डायरेक्ट नीचे आ रहा हूँ, व्हेन बैक्टीरिया और पर्टिकुलर पैथोजन इज डेफिनेटली नोन, जब आपको पता है कि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया ने आप पे अटैक किया है, ये पर्टिकुलर डिसीज आपको हुआ है, तो उसके लिए वो एक जो खास एंटीबायोटिक होगा, हाँ अब अगर पता है तो उसके लिए 10 बार एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। ये पर्टिकुलर एक्सपायर्ड है तो उसको मारने के लिए जैसे पेनिसिलिन नाम का है भाई एंटीबायोटिक, वही चलेगा। एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया दैट इज अबाउट अलेक्जेंडर, डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिसने सबसे पहले डिस्कवर किया था वो है पेनिसिलिन, और ये फंगस से निकला था जिसका नाम, फंगस का नाम है पेनिसिलियम। ओके, सो पेनिसिलिन। दूसरा एग्जाम्पल है जेंटामाइसिन, इट इज ऑल्सो सेकंड टाइप ऑफ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एंड थर्ड इज इरिथ्रोमाइसिन। यस, थर्ड इज इरिथ्रोमाइसिन। तो ये तीन होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम, ये तब यूज होते हैं जब डेफिनेटली आपको पता होता है कि ये डिसीज आपको हुआ है। अब जैसे टाइफाइड है तो टाइफाइड को जो डिसीज है वो कॉज करने वाला होता है सैल्मोनिला टाइफी नाम का बैक्टीरिया, तो डायरेक्टली वो टाइफस बैक्टीरिया आपके ब्लड टेस्ट में दिख जाएगा, और टाइफाइड का आपको डायग्नोसिस हो गया कि भाई इसको है टाइफाइड, तो फिर पर्टिकुलर ये तीन में से जो भी वो टाइफाइड के लिए होगा तो वो आपको फिर डॉक्टर प्रीफर करेंगे। तो ये है एंटीबायोटिक,
कहाँ से कैसे निकालते वो भी हमने देखा, और कितने उसके टाइप है। तो दो ही टाइप है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्लियर। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा है, बिफोर हार्मफुल बैक्टीरिया। तो इसमें से जो हमने लिया था नैरो स्पेक्ट्रम में पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन स्पेशली कैसा निकाला जाता है, किस किस डिसीज पे यूज होता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें। और उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको दिया है, दैट इज कॉशन। मतलब आप कोई भी एंटीबायोटिक किसको भी दे नहीं सकते या ले नहीं सकते, वो कल बताऊँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा उसमें भी। तो ये लेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में। तो होमवर्क, आपको ये तीन और ये तीन छह एग्जाम्पल एंटीबायोटिक के मिल गए। अब घर में जो दवाई का डब्बा है वो निकालो, उसमें से मुझे सिर्फ एंटीबायोटिक के नाम चाहिए। अब नाम मतलब कैसे, तो समझो आपने एक्स वाई जेड नाम, जैसे क्रोसिन होती है, बहुत सारे आपको टैबलेट पता है, तो वो उसका रैपर लेना, क्रोसिन का या फिर जो भी हो, और उसमें पहले बहुत बड़ा ऐसा नाम आता है कंपनी का, और उसके नीचे कुछ कंटेंट लिखे होते हैं। तो वो कंटेंट में आपको ये ढूंढना है, ये छः में से कोई भी एक उसमें रहेगा, सबके सब नहीं रहेंगे, तो वो दवाई का नाम। अब जैसे जेंटामाइसिन नाम का अगर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो कोई ना कोई समझो एक्स वाई जेड नाम की दवाई बहुत सारी है, मैंने कुछ भाई वो पढ़ा नहीं क्योंकि इतने सारे दवाई के नाम याद नहीं रहते। तो आपको सिर्फ एक एक दवाई का नाम होमवर्क है, सिर्फ एक दवाई का नाम और उसके नीचे लिखना है कि उसमें कौन सी एंटीबायोटिक है। जैसे एक्स वाई जेड इज द नेम ऑफ दैट टैबलेट एंड दैट एक्स वाई जेड टैबलेट कंटेन विच टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, सो इट कंटेन सपोज पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, तो वो लिखना है। नेम ऑफ टैबलेट एंड एंटीबायोटिक प्रेजेंट इन इट, एक ही नाम चाहिए, ज़्यादा नहीं। दो तीन अगर आपको मिल गए तो आप भेज सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पे, ये आज होमवर्क मुझे मिलना चाहिए, मतलब आपने वीडियो देखने के बाद एक दो घंटे में। तो आपका नाम लिखो और उस पर नीचे ये होमवर्क दो, गोली का नाम और उसके अंदर जो एंटीबायोटिक है वो। क्लियर। ओके, कंटिन्यू करेंगे कल।